सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम ग्लासगो स्कॉटलैंड। आज एक और सफ़र पर चल पड़े हैं। आज मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जो कि शायद मेरी देखी गई सब जगह को पीछे छोड़ दे, बिकॉज आज मैं जा रहा हूँ आइल्स ऑफ एरन। वो एक आइलैंड है। मैं यहाँ से अभी ट्रेन लूँगा और फिर ट्रेन से मुझे एक फेरी लेनी है जो 55 मिनट की है। तो अभी मेरी ट्रेन अभी बज रहे 8:45 और ट्रेन है 9:18 की। तो फटफट ग्लासगो सेंट्रल जाना है एंड फिर मैं तुम्हें ब्रीफली सब चीज़ें बताता हूँ। तो थोड़ा सा लेट चल रहा हूँ मैं, बिकॉज़ मैंने जल्दी की ट्रेन ली है, बिकॉज़ मेरे को है कि मैं दो घंटे में 1.5 आवर में हार्बर देख लूँ पूरा। तो हार्बर को थोड़ा सा देखेंगे एंड फिर फेरी लेके अपना निकलेंगे। तो ऑर्गेनाइज करके चल रहे हैं, तो अब देखो आगे क्या होता है। लेट्स गो। ग्लासगो सेंट्रल आ चुका हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे आ चुका हूँ। लेकिन आज एक बहुत बड़ी बीटी है कि आज बहुत सारी ट्रेन है और मुझे किस ट्रेन में जाना है मुझे नहीं पता अभी, तो अब पूछना पड़ेगा अपन को। क्योंकि देखो लाइन से ट्रेन लगी हुई है, आज इतना जैम पैक्ड है, जबकि मैं उस दिन गया था तो सिर्फ एक ट्रेन थी। तो आज पूछते हैं कौन सी ट्रेन जाएगी आर्डिसन हार्बर। तो इसके साथ मैं एक और चीज़ एड्रेस करना चाहता हूँ कि आपको ये डाउट होगा कि आपको स्कॉट रेलवे के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफली समझाना चाहता हूँ कि मैं कैसे ट्रेन कराता हूँ, मेरा क्या खर्चा रहता है आना जाना और मैं क्यों पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं, मैंने एक वीडियो में बोला कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत चीज़ें देख के ही मैंने प्रेफर किया कार रेंट से। तो कार रेंट बहुत महंगा पड़ता है, कार रेंट आपको एक दिन का मेरा £90 पड़ता। अगर मेरे को क्लब मेंबरशिप मिल जाती तो थोड़ा कम पड़ता, बट इतना ही पड़ता उस पे पेट्रोल टैक्सेस सब चीज़ें पार्किंग फीस। तो 100 या £150 से कम आपको कार रेंट नहीं पड़ेगा। व्हाई आई चूज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मैंने पहले आउट ऑफ नोवेयर इनको पहले गया, मैं लॉक लमोंड गया, एयर गया। नाउ आई कैन से स्कॉट रेलवेज इज़ द बेस्ट नेटवर्क राइट नाउ जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया इन माई लाइफ। हर ट्रेन टाइम टू टाइम चलती है, वेरी मतलब स्पेशियस है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, स्टेशन काफ़ी ज़्यादा प्रॉपरली मेंटेन्ड है। तो तुम अगर आ रहे हो तुम्हें पॉकेट फ्रेंडली रखना है तो स्कॉट रेलवे इज़ द बेस्ट, और हर जगह से कनेक्टिविटी है। सेकेंड, कितना प्राइस डिफरेंस आता है। मैं लॉक लमोंड एयर और आज मैं जहाँ जा रहा हूँ आर्डिसन हार्बर, अभी तक टोटल मेरा आना जाना का खर्चा £40 से ज़्यादा नहीं हुआ है। £40 इज इक्वल टू 4,000 rupees एंड कोई भी अगर करेंसी में आ रहा है तो मैं उसको ये बता रहा हूँ, चाहे तुम यूनाइटेड स्टेट से आ रहे हो किसी में, £40 इज आना जाना, मतलब कमिंग एंड गोइंग। तो इतना कन्वीनियंस है, पॉकेट फ्रेंडली है। मैं हमेशा ओपन टिकट लेता हूँ। ओपन टिकट क्या होता है, ओपन टिकट में आपके थोड़े से ज़्यादा सिंगल ट्रेन से थोड़े से ज़्यादा पैसे लगेंगे। ओपन टिकट में ये होता है कि आपने जैसे अभी मैंने ट्रेन कराई 9:18 की, अब मुझे कभी भी रिटर्न करना है सेम डे पे, तो मैं कोई भी ट्रेन में बैठ सकता हूँ और मैं वापस अपना जहाँ पे भी मेरे को ग्लासगो जहाँ से मैंने कराई है वहाँ पे मैं वापस आ सकता हूँ। सो इट इज़ दैट कन्वीनियंट। सेकेंड ये हो गई। उसके बाद थर्ड, मैं कैसे बुक कराता हूँ, जस्ट यू नीड टू डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल प्ले स्कॉट रेलवेज। तुम स्कॉट रेलवेज की ऐप डाउनलोड करोगे, उसमें अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डालो और टिकट तुम आराम से ले सकते हो। कुछ उसमें तुम्हें हैसल नहीं करना, सिर्फ एक अकाउंट बनाना और सब डन। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और चलती है, रेल कार्ड। रेल कार्ड के कई सारे क्राइटेरियाज है, 16 to 25 लाइक स्टूडेंट, मैच्योर स्टूडेंट, फैमिली, कपल। अगर तुम रेल कार्ड ले लोगे तो तुम्हारा जो ये
जैसे अब तुम हाईलैंड जाओगे तो बहुत ज्यादा किराया है, मतलब 60 pounds 70 pounds से इतना किराया है वन साइड का, तो हमारा 33% ऑफ हो जाएगा दैट बिकॉज ऑफ दैट रेल कार्ड। तो अभी मेरी शॉर्ट जर्नी है इसलिए मैंने रेल कार्ड ऑप्ट नहीं किया है। रेल कार्ड की फीस है 30 pounds फॉर एन ईयर, तो बहुत ज़्यादा अगर तुम स्टूडेंट हो तो इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट। रेंट करना, खुद की गाड़ी लेना यहाँ से, मतलब तुम्हें थोड़ा मोबिलिटी में फ़ायदा होता है, बट स्कॉट रेलवे इज द बेस्ट राइट नाउ फॉर माई, जो मेरा पूरा ट्रैवल चल रहा है। और तुम देख रहे हो मैं कहाँ कहाँ दूर दूर जा रहा हूँ। आज मैं एक आइलैंड पे जा रहा हूँ तो सीधे हार्बर की ट्रेन है, हार्बर से मेरे को बस एक फेरी लेनी है, उस फेरी को लेके 55 मिनट की फेरी है, तो आज गोना बी अ 2 hour ट्रिप फॉर मी। फिर से टोपी आ गई है क्योंकि यहाँ पे चलती है तेज़ हवा, तो अगर कोई भी आ रहा है ना तो ये तो मान के चलो तुम अपने साथ एक हैट लेके आओ या एक कैप लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, बट हवा चलती है तो बाल वाल तुम्हारे बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। तो अब मेरी बात हुई, 12:30 बजे की फेरी है और अभी 11 बजे ऑफिस खुलेगा, तो अभी बज रहे हैं 10:30, तो 10:30 बज रहे एंड तब तक थोड़ा हार्बर साइड घूम रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टाउन है, पीछे है थोड़ा छोटा सा टाउन है, ज़्यादा बहुत लोग नहीं रहते इस हार्बर वाले एरिया में, तो थोड़ा सा देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं। बाकी मेरे पूछे पूरी क्रूजेस बोट्स, स्पीड बोट तो यहाँ पे एक दो ही है, बाकी वो जो होती नहीं है एकदम बड़ी बड़ी ओवरसीज बोट वो बहुत ज़्यादा है, सो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। जगह मिल गई है, थोड़ा हैव सम कॉफ़ी और 11 बज चुके हैं, 11 बजे ऑफिस खुल जाएगा तो बस मैं विल हैव माय कॉफ़ी एंड देन 12:30 का डिपार्चर होगा फेरी का और वो लेगी 55 minutes, सो आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम वैसे तो, बट मैं जल्दी जाके थोड़ा टिकट विकेट ले लूँगा और फिर उनसे पूछ लूँगा कि हाँ कैसा रहेगा सफ़र, क्या है टाइमिंग, क्या है वापस आने की, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा मेरे को अभी बॉदर कर दी है टाइमिंग आने की। मेरे को चाहिए उधर घूमने के लिए अच्छा खासा टाइम, अगर मेरे को उधर कोई रहने की जगह मिल गई कोई भी अकोमोडेशन तो आई विल ऑप्ट दैट। बाकी हार्बर है, छोटा सा टाउन है, ब्यूटीफुल टाउन है, पीपल आर अगेन नाइस, बट यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बोटें, यहाँ पे पर्सनल बोट्स हैं, तो लोगों ने अपनी बोटें ली हुई हैं यहाँ पे हार्बर पे डॉक की हुई हैं और जब भी उनका मन करता है तो बस निकल जाते हैं समंदर में। सो फेरी की टिकट एंड दीज आर द टिकट्स, तो मैं तुम्हें टिकट का बता दूं, मैंने लिया है रिटर्न टिकट आज आने को पॉसिबल क्योंकि मैं यही लेके चल रहा हूँ, उससे मेरी बात हुई, लास्ट 8:20 की ट्रेन है एंड 7:28 पे वहाँ से फेरी निकलेगी, तो उसने बोला कि लास्ट जो होगी तुम बोर्ड कर सकते हो, तो आई एम
बात है रिस्क लेने की, अगर मैं यहाँ पे आके फिर मेरे को कोई होटल वोटल लेना पड़ेगा कि उसके बाद कोई जरिया नहीं है जाने का यहाँ से, तो देख लेंगे बिकॉज जा रहा हूँ तो आई वॉन्ट कि मैं अच्छे से घूमूँ। तो 7:30 वैसे भी ऑल तो अंधेरा हो जाता है, तो लेट्स सी क्या होता है, क्या करते हैं उस टाइम पे जाके। बाकी मुझे टिकट पड़ी है आने और जाने की 8.20 pounds, तो 820 rupees आना जाना, तो क्वाइट चीप। और यही फ़ायदा होता है कि तुम जब पता करते हो, कि वरना यहाँ पे और भी बहुत आइलैंड्स हैं जहाँ पे तुम जाते हो बहुत बहुत महंगा पड़ता है, लाइक 100 pounds 120 pounds, या फिर तुम कोई टूर गाइड कर रहे हो, कोई टूर चीज़ कर रहे हो, तो वो तुम्हें 300 pounds से कम का कुछ नहीं मिलेगा। तो ट्राई करो, टाइम निकालो अगर स्कॉटलैंड आ रहे हो, और ख़ुद जो मेरे वीडियोस में बहुत हेल्प करेंगे कि सबसे इकोनॉमिकल या सबसे बेस्ट वे क्या है, क्योंकि ये बेस्ट वे है जाने का। एक प्रॉपर आइलैंड पे जा रहे हो आप 8.5 pounds में, तो बाकी उधर जाके खर्चा होता है, यहाँ पे बाकी चीज़ें काफ़ी महंगी है। बट जो ट्रांसपोर्ट मैंने चूज़ किया है, मैं हर चीज़ सोच समझ के देख के कर रहा हूँ, तो उसमें को काफ़ी आई एम सेविंग अ लॉट ऑफ मनी। तो बस अब वेट करते हैं, 12:15 भी है, कुछ 40-45 minutes, enjoy. So yeah, tell me about the place, like Aaron, Aaron. Well, if you like golf, okay, there's a lot of golf courses, okay, and playing golf on a mountainside, different vibe. It is a different vibe, yeah, completely different vibe, but beautiful. So you're getting all the different views. Even when I was going to the air, there was a beach and then the golf courses. So it's like so beautiful. Yeah, so I haven't played golf, but have you? Oh yeah, I play golf, but I'm bad. But it doesn't matter. You're enjoying it. I'm enjoying it. That's the point of it. So I am into more, you know, cricket. Yes. So have you played that? I have played cricket when I was at school, but I didn't like it. You didn't like it? No, it's just something that I don't like standing around. Like fielding? Yeah, so I'm like, then the ball will come, it's like, oh yeah, really? What's that about then? So now, this Aaron's only got 4,500 population. Yes, you know, and even you see the island side from the coast. Yeah. So the northern island part. Yeah. Yeah. So I have on a clear day. On a clear day. Welcome to the Scotland. Yeah, absolutely. Yeah. You do get clear days. Yeah. Yeah. So how do you find like Scottish people? Because you have a very good experience with them. So through this, I've never had a problem at all. Ever. I've heard of other people having problems. And I think that is because of what they put out themselves. I think it's like life is a reflection, isn't it? Exactly. Yeah? So put out the good stuff, you get the good stuff back. And it's as simple as that. So I've never had an issue. Ever. So guys, see, yeah, this is the real experience, because how old are you? How old? Have a guess. Near about 40. Oh, I love you. I'll be 60 this year. Damn, this guy's very young. Are you 60? Really 60? Yeah, yeah. My 59th birthday was in November. So November this year, I will be 60. You are saying of like one of my mother age. Yeah. And my dad's little. Yeah. Older than you. Yeah. So, but he's so fit. He's so young. Oh yeah, keep fit. Yeah. Again, it's attitude, isn't it? I believe. So, and you are like traveling, you're walking in 60s? Always. Yeah. So, every person in India just watch, he's 60, and how much you walk like daily, like how much miles? Or you can? God, anywhere from 4, 5, 6, 7, 8 miles. Just, you know, just enjoying it.
show you. मेरा यहाँ पे कोई रुकने का प्लान नहीं था. जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि आई विल बी हेडिंग स्ट्रेट टूवर्ड्स ग्लासगो. आई मेट अ ब्यूटिफुल कपल. उन्होंने मुझे रिकमेंड किया उनके एक जानकार से डेमोन. तो उनका यहाँ पे एयरबीएनबी है. एंड लेट मी टेल यू, अगर तुम यहाँ पे रुकते हो ना तो कॉस्ट इज़ वेरी वेरी हाई. इट गोज टू 60 pounds, 80 pounds ऐसा होता है. एंड एक जगह रुकने के लिए यहाँ पे स्पेंड करना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. बट आई गॉट एन अमेजिंग डील. एंड तो आइलैंड पे आते अपन ने अपनी फेवरेट चीज़ करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज़ ट्रैकिंग. तो कुछ लेडीज़ मिली हैं, उन्होंने बोला इफ़ यू वांट अ गुड व्यू जस्ट फॉलो अस. तो नारी शक्ति जिंदाबाद. तो अब आगे उन्होंने बोला कि एक वाटरफॉल है बड़ा सुंदर, तो वहाँ पे जाते हैं. बाकी एक रास्ता था वो सीधे बर्फीले पहाड़ पर जाता है, बट उन्होंने बोला कि दैट्स नॉट अ आई विल नॉट रिकमेंड यू बिकॉज रात होने वाली है, अंधेरा जल्दी होता है एंड यू माइट गेट लॉस्ट या फिर तुम गिर भी सकते हो पहाड़ से, बहुत स्टीप है. तो विल नॉट टेक द रिस्क. तो बस उनको फॉलो कर रहा हूँ एंड वेटिंग फॉर अ गुड व्यू. लेट्स मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उल्लुओं की आवाज़ें आ रही हैं. एंड मैं बहुत कहता हूँ ना, डर नहीं लगता ऐसी चीज़ों से या फिर गूज़बम्स है इस समय. आई एम गेटिंग चिल्स. फटी पड़ी है, घर पहुँचा दो. पता नहीं भालू होते हैं नहीं होते. ये एक्चुअल लाइट है इस समय यहाँ पे. देखो बहुत चीज़ें स्कॉटलैंड में रिकमेंड करी है, मैं ये नहीं करूँगा रिकमेंड क्योंकि जस्ट तुम देखो क्या ये मर जाए इंसान हार्ट अटैक से यहाँ पे. मजाक नहीं कर रहा, अभी मैं जिस जगह से निकलूंगा ना, अगर वहाँ से एक आवाज़ भी हो गई ना, अंदर से रो दूंगा मैं. देखो तुम, ओ भाई क्या है वो.